ओम शांति। आज 16 जुलाई 2020 बाबा की साकार मुरली का प्रश्न कि अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव अगर सार में देखा जाए तो जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। अति इंद्रिय सुख अर्थात एक मने मन अंतरात्मा में कांस्टेंट शांति और खुशी, और वो हम लोगों ने पा लिया है ऐसा नहीं है, वो पाने की जर्नी पर हैं। और जब कांस्टेंटली हमारी बुद्धि में बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान का खजाना यानी ज्ञान रत्न से जब भरपूर हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, नॉलेज फुल हो जाएंगे, तो ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, और बाप दादा बोले मीठे बच्चे। ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है ना। इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा कह रहे हैं ये विकर्मों को विनाश करने का युग है, तो विकर्म हो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि विकर्मों को विनाश करने का युग है। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का, तो अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए, बाबा कह रहे हैं पुरुषोत्तम अक्षर जरूर जरूर डालना चाहिए। तो तुम प्रेजेंट को देख रहे हो। पुरुषोत्तम अक्षर क्यों डालना चाहिए? क्योंकि संगम युग तो कई आए ना, सत्ययुग और त्रेता युग का भी संगम युग आया, त्रेता युग और द्वापर युग का भी संगम युग आया है ना। ऐसे ही कलयुग और सत्ययुग का ये जो संगम युग है यही पुरुषोत्तम है, क्योंकि आत्माएं यानी पुरुष यहीं पर उत्तम बनती हैं। तो तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि संगम युग भी है और कलयुग का अंत भी है, तो बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया और अब फिर से प्रेजेंट है। तो अब बाप आए हैं और फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं और फिर सत्ययुग में राज्य पाएंगे। अभी संगम युग है, तो ये बात तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। राजयोग से अच्छा अनुभव यानी अच्छा फील करने का नाम राजयोग नहीं है, अच्छा बनने का नाम राजयोग मेडिटेशन है, जहां तक समझ पाते हैं। क्योंकि अच्छा बन गए, प्रैक्टिकली अच्छा बन गए, तो अनुभव तो फिर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है और समझते हैं कि चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। तो जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो अब जब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सत्ययुग में सब पवित्र थे ना, तो ये भारत ही तो पावन था। और गाते भी क्या हैं, वाइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड, यानी वो संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशियस है। पतित ही बुलाते हैं ना कि आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। तो बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं।
है ना, पतितपना बाबा काम विकार की तरफ सीधा इशारा कर रहे हैं ये कहकर कि क्रोधी नहीं बुलाते, कौन बुलाते हैं, पतित बुलाते हैं। बाबा कहते हैं बाप फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। देखो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतींद्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो, तो जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तो तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए है। बाबा ने हालांकि यहाँ पे फार फ्यूचर, अगर ये हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लीजिए फॉर कहना चाह रहे हैं तो फॉर फ्यूचर यानी फ्यूचर के लिए, और फार फ्यूचर मतलब जो आगे आने वाली दुनिया है, तो दोनों एस्पेक्ट में ठीक बैठ रही है बात, लेकिन एग्जैक्टली बुद्धि कहती है कि ये फॉर फ्यूचर होना चाहिए। तो बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश करने। हू बहू कल्प पहले मिसल ही होगा, तो तुम बच्चे भी देखेंगे कि नेचुरल क्लैमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और सब खत्म, तो भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी ना। हम तो कहते हैं कि ये तो होना है, कल पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं ना सोनी द्वारका नीचे चली गई। तो बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी, इसमें देखो जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं कर सकते हम। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो और फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है ना, तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, तो वो ड्रामा अक्षर को नहीं जानते, उनका तो प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक, तो कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमद् द्वारा करते हैं। श्रीमद् द्वारा ही शक्ति लेते हैं और शिव शक्ति नाम भी तो है, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है, तुम ही तो देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है ना, अनेक नाम रख दिए है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है, तो तुम भी तो विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा तो होती है ना। देखो अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं, दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो हुई हेड यानी महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे ना, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, तो बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे, तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो ना। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ना ठीक करो रक्षा करो, अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम हो स्वर्ग का वरदान देने वाली, बाप भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं तो नारायण को देखो गुप्त कर दिया ना, बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही तो मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं।
श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तो तुम बच्चे जानते हो राजाई की और फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती गई, पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है ना। तो ये भी नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष बाद चक्र तो फिरता ही रहता है। तो अभी भारत कितना कंगाल है, रावण का राज्य है ना, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर में है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी, कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक यानी लेसन देते हैं, फिर घर में पढ़ने के लिए जिसको होमवर्क कहा जाता है, बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। देखिए, अर्थात दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना है, अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है ना। तो सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो, बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता कहाँ है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये रावण को जलाना बंद कब होगा, तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, तो तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के बन गए हैं, और बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते उतरते तमोप्रधान बने तब तो फिर बाप आए ना, परंतु अपने को तमोप्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, एक भी मनुष्य मात्र सतो प्रधान नहीं है, सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी तो सब तमो प्रधान है। तो बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से मानो जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो और जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए, तो अब तो है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर तो जा ना सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता, जब तक प्रॉपर बाबा जैसी ट्रेनिंग ना प्राप्त हो। बाबा जिस तरीके से ज्ञान के आधार पर आत्मा को सींचते हैं, अगर ये सिंचाई ना हो तो दुख से लिबरेट होना, अशांति से लिबरेट होना इतना आसान नहीं है। तो जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो ना कि स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की तो बात नहीं है, कृष्ण तो है सत्ययुग का पहला प्रिंस, फिर तो वो पुनर्जन्म लेते आते हैं। तो बाबा ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का राज समझाया, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता सिवाय एक बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, और उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया है ना, तो वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला, शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु वो कब आए क्या किया ये कुछ भी नहीं जानते, जयंती के अर्थ का ही नहीं पता, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में है। इस समय ही तुम बच्चे
ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो फिर कभी नहीं जान पाएंगे। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। तो अभी तुमको स्मृति आई है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ नहीं मिलता, कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, तो बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर मिलती है। तो तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर ये कैसे बने, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की, कभी भी फेलियर होकर बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क है, काम विकार 5 मंजिल है, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो, पतित पावन बाप ही आकर तो पावन बनाएंगे ना, तो जरूर संगम पर बनाएंगे, कलयुग अंत और सत्युग आदि का ये संगम है। तो बच्चे जानते हैं कि बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहां बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। तो कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो, अब तो ये कंडीशन नहीं है, है ना, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, इसमें मेहनत है। देखो पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है ना, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो ना 8 घंटा, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा तो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल क्लियर शब्दों में, आज बाबा ने ज्ञान रत्नों के बारे में बात की, पुरुषार्थ की बात की। तो अतीन्द्रिय सुख उन्हीं को होगा जिनका ज्ञान रत्नों से बुद्धि भरपूर है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं है तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है, श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया वो भी जरूर करना है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है, सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना, वरदान है रिजल्ट जो हमारा है अल्टीमेटली वही वरदान है। बाप समान कर्मातीत भव, और एक वही साधारण और सिंपल युक्ति है जो बाबा ने कल की मुरली में और हर दिन की मुरलियों में बताया है कि देह संबंध और वैभवों के बंधन से, बंधन अलग चीज हो गई, प्रैक्टिकली अलग चीज हो गई,
और उसका बंधन अलग चीज हो गई, उनके बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। बाप दादा बोले, जो निमित मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे, बिगुल बजे और सोचने में समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन स्नेह और सहयोग के साथ फिर रिपीटेड है ये चीज, शक्ति स्वरूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति।